नमस्कार, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी और मैं हूं आपके साथ निशा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बिहार नगर निकाय चुनाव में नामांकन का दौर जारी, कई प्रत्याशियों ने कटाया एनआर तो कई लोगों ने दाखिल किया पर्चा। दो चरण में होगा मतदान, एटीएम ने कहा स्क्रूटनी और नाम वापसी के बाद प्रत्याशियों को आवंटित होगा चुनाव चिन्ह। कौशल विकास योजना के तहत रोजगार मेले का हुआ आयोजन, बेरोजगारों की उमड़ी भीड़। और गृह मंत्री के सीमांचल दौरे से पूर्व पुनिया में एनआईए के छापेमारी जारी। अब खबरें विस्तार से। नगर निगम चुनाव नामांकन को लेकर भागलपुर अपर समाहर्ता कार्यालय परिसर में बनाए गए नॉमिनेशन सेंटर पर गुरुवार को खासी भीड़ जुटी रही। इसको लेकर नामांकन केंद्र पर जहां गुरुवार को सातवें दिन 20 लोगों ने नाजी रसीद कटाया, जबकि महापौर और उप महापौर पद समेत पार्षद पद के लिए अलग अलग वार्ड से दर्जनों प्रत्याशियों ने एडीएम के समक्ष अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया। इस दौरान पूरे नॉमिनेशन सेंटर पर जहाँ प्रत्याशियों के भीड़ जुटी रही, वहीं प्रस्तावक समेत कई समर्थक भी अपने नेता को जीत की शुभकामना देते हुए माला पहनाकर उत्साह बढ़ाते दिखे। भागलपुर नगर निगम चुनाव को लेकर 24 सितंबर तक नामांकन पर्चा दाखिल किया जाएगा, जबकि फिलहाल नामांकन के लिए महज 2 दिन का समय ही शेष रह गया है। बता दें कि महापौर पद के प्रत्याशी के रूप में पूर्व महापौर सीमा साह लगातार दूसरी बार मेयर बनने के लिए चुनावी मैदान में नजर आएंगी और इसके लिए शुक्रवार को सीमा साह वार्ड 29 की पार्षद रही खुशबू कुमारी समेत कई मेयर और डिप्टी मेयर प्रत्याशी अपना नामांकन पत्र एडीएम शिव कुमार शेफ के समक्ष दाखिल करेंगे। इसके अलावा सभी 51 वार्ड से पार्षद पद के लिए निवर्तमान और नए प्रत्याशी भी अपना नामांकन पर्चा भरेंगे। इधर गुरुवार को पूरे दिन नामांकन केंद्र और पूरे समाहरणालय परिसर में अलग अलग पद और पार्षद पद के लिए दर्जनों पुरुष और महिला उम्मीदवारों ने नामांकन पर्चा भरा। नगर निगम चुनाव को लेकर जहां एटीएम कार्यालय परिसर में निर्वाची पदाधिकारी के समक्ष मेयर, डिप्टी मेयर और पार्षद प्रत्याशी के द्वारा नामांकन का दौर जारी है, वहीं इसको लेकर गुरुवार को शहर की चर्चित स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वसुंधरा लाल ने मेयर पद के लिए नामांकन पत्र दाखिल किया। इससे पूर्व अलीगंज स्थित आवास से अपने पति डॉक्टर बिहारी लाल, भाजपा जिलाध्यक्ष रोहित पांडे, डॉक्टर राजीव सिन्हा, जगदीश चंद्र मिश्र पप्पू, ओम भास्कर और दीपक शर्मा, डॉक्टर राजीव सिन्हा समेत कई चिकित्सकों और समर्थकों के साथ डॉक्टर वसुंधरा लाल ने शहर का भ्रमण किया। वहीं नामांकन के बाद डॉक्टर वसुंधरा लाल ने कहा कि चिकित्सा क्षेत्र में सेवा के साथ उन्होंने समाज सेवा के लिए भी कई कार्य किए हैं और मेयर पद के नामांकन को लेकर शहर के मतदाताओं के साथ सभी वर्गों का समर्थन प्राप्त हो रहा है। उन्होंने कहा कि चुनाव में जीत के बाद शहर की साफ सफाई और जनहित के कार्यों के साथ स्मार्ट सिटी के कार्यों का लाभ लोगों तक पहुँचे, इसके लिए भी प्रयास करेंगी। ये पॉलिटिकल क्षेत्र तो नहीं है, ये अपना इंडिपेंडेंट क्षेत्र है, तभी मैं इसको सेलेक्ट की हूँ। तो चैलेंजिंग तो है, काम करना है, दिखाना है, स्मार्ट सिटी है तो इसको स्मार्ट बनाना है, चैलेंजिंग है, पर मेरे को समर्थन है तो मैं इसको करूँगी, 100% अंजाम तक पहुँचाऊँगी। मैं अपने स्मार्ट सिटी को देखने के लिए खुद ही बहुत इच्छुक हूँ, यह कैसा दिखेगा, और मैं इसके लिए प्रयत्नशील हूँ और मैं प्रयत्नशील रहूंगी। मुझे जब उसका मौका मिलेगा तो मैं जरूर इसको स्मार्ट बनाऊंगी। वहीं उप महापौर पद के लिए गुरुवार को राजद नेता और एमएम डिग्री कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर सलाउद्दीन अहसन ने भी उप महापौर पद के लिए अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया। इस दौरान राजद जिलाध्यक्ष चंद्रशेखर यादव समेत कई नेताओं और समर्थकों के साथ पहुंचे डॉक्टर सलाउद्दीन अहसन ने अपर समाहर्ता सह निर्वाची पदाधिकारी के पास नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद कहा कि क्षेत्र की जनता और समर्थकों के विश्वास पर वो चुनाव में अपनी किस्मत आसमा रहे हैं। कॉर्पोरेशन के स्कूल है उसमें, और ये बेसिक पढ़ाई होती है वहाँ, इस बेसिक पढ़ाई को सुधारने के लिए पूरा प्रयास, जो जंग लग चुका है, सारे स्कूल का अच्छे ढंग से टीचर को कहा जाएगा कि आप पढ़ाइए, नहीं तो स्कूल से
तो पढ़ाई पर तो सबसे पहला फोकस है। बिहार में दो चरण में होने वाले नगर निकाय चुनाव को लेकर जहां पहले चरण के चुनाव का नामांकन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, वहीं दूसरे चरण के चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया जारी है। वहीं इसको लेकर भागलपुर के अपर समाहर्ता से नगर निगम चुनाव के निर्वाची पदाधिकारी शिव कुमार शेफ की देखरेख में नामांकन केंद्र के सभी काउंटर पर अधिकारी और निर्वाचन से जुड़े कर्मियों ने नाजिर रसीद के साथ कागजों की जाँच कर नामांकन पत्र दाखिल किया। इधर नामांकन समेत चुनाव से जुड़ी तैयारियों लेकर एटीएम सह निर्वाचन पदाधिकारी शिव कुमार शेफ ने कहा कि नामांकन पूरा होने के बाद नामांकन पत्र की स्क्रूटनी होगी और नाम वापसी के बाद प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह देने के बाद चुनाव प्रचार शुरू हो जाएगा। जबकि प्रशासनिक पदाधिकारी और निर्वाचन से जुड़े अधिकारी कर्मी मतदान केंद्र एवं चुनाव से जुड़ी तैयारी में जुट जाएंगे। उन्होंने बताया कि मतदान ईवीएम के माध्यम से होगा और मतदान केंद्र पर महापौर, उपमहापौर एवं पार्षद समेत तीन पदों के लिए तीन अलग अलग ईवीएम की व्यवस्था रहेगी। एडीएम ने कहा कि सुरक्षा व्यवस्था के लिए भी पुख्ता तैयारी की गई है, जबकि मतदान केंद्र के लिए भी पर्याप्त संख्या में सुरक्षा बलों के इंतजाम रहेंगे। उन्होंने बताया कि 20 अक्टूबर को भागलपुर नगर निगम समेत नगर निकाय के दूसरे चरण का मतदान होगा और 22 अक्टूबर को मतगणना के साथ विजयी प्रत्याशियों के नाम की घोषणा हो जाएगी। इसके अलावा अपर समाहर्ता शिव कुमार शेफ ने दो चरण के चुनाव के बीच होने वाले दुर्गा पूजा को लेकर कहा कि पूजा के लिए प्रशासन की ओर से पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे। 16 तारीख से हम लोगों ने नॉमिनेशन का कार्यक्रम प्रारंभ किया है और यह 24 तारीख तक चलेगी। 24 तारीख के 3 बजे नॉमिनेशन का अंतिम समय होगा। उससे पहले जिनको भी करने हैं सभी आ रहे हैं, कर भी रहे हैं, कोई असुविधा नहीं है। उसके बाद 25 और 26 को स्क्रूटनी समीक्षा होगी और उसमें बाद फिर जो वापस लेना चाहेंगे वो अपने नाम वापस ले सकते हैं और जो बच जाएंगे उनके बीच सिंबल अलॉटमेंट सभी कुछ ऐप्स के माध्यम से हो रहा है। मैन्युअली अब कार्ड बहुत कम हो गए हैं। एक बार हम लोग एंट्री कर देते हैं तो यहाँ से लेकर के रिजल्ट तक सभी चीज़ मैन्युअली कम हो गया है और ऐप के माध्यम से वो पूरा का पूरा हम लोगों का जनरेट हो जाता है। तो ये सभी नॉमिनेशन आते ही हम लोग उस सिस्टम में अपने पोर्टल पर इसको डालते हैं और वो उसी दिन होता है। इसके बाद हम लोगों का कार्य के बाद जो चुनाव प्रचार शुरू होंगे तो उधर सभी लोग अपने अपने क्षेत्रों में चुनाव प्रचार के लिए जाएंगे और हम लोग जो प्रशासनिक तैयारी है जिसमें ईवीएम की तैयारी होती है, चूँकि आप जानते हैं कि ईवीएम से ही पूरा होना है, इसमें कहीं भी हम लोगों का जो मैनुअल सिस्टम वाला बैलेट सिस्टम नहीं है। हाँ, तो वो लॉ एंड ऑर्डर तो हम लोगों को देखना ही है। पूजा का विसर्जन हो या पूजा के दौरान भी भीड़ लगती है तो उस समय हमारे पास सफिशेंट फोर्स है, क्योंकि उस समय हम फोर्स को बूथ पर जाने की ज़रूरत नहीं रहती है। क्योंकि बूथ पर जाने की ज़रूरत तो हमको पड़ेगी 6-7-8 के बाद, जो पहले दौर में है, जैसे सुल्तानगंज है, नगछिया है या अन्य सारे जगह हैं उन समझ। इसीलिए आधा जो हमारा नगर निकाय है वो 10 को है, आधा हमारा 20 को है, इसलिए वो इसको बांट के रखा गया है कि हमारी फोर्स की कहीं कमी ना हो और हम लोग उसका प्रबंध करें। भागलपुर के गोराटी हटिया चौक स्थित दुर्गा मंदिर के पास जीविका के द्वारा दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल विकास योजना के तहत रोजगार से मार्गदर्शन मेला का आयोजन किया गया। मेला का उद्घाटन प्रखंड विकास पदाधिकारी शेखर सुमन, अंचलाधिकारी नवीन भूषण, थानाध्यक्ष आशुतोष कुमार के साथ जीविका कर्मी ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। वही प्रखंड विकास पदाधिकारी शेखर सुमन ने बताया कि प्रखंड परियोजना क्रियान्वयन समिति के द्वारा मेले का आयोजन किया गया जिसमें करीब 20 कंपनियां आई है। वहीं रोजगार मेला में करीब 2000 से ज्यादा अभ्यर्थी शामिल हुए। प्रथम स्तर की काउंसलिंग के बाद चयनित अभ्यर्थियों को ऑफर लेटर भी दिया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह के कार्यक्रम से एक दिन पूर्व पूर्णिया में पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के क्षेत्रीय कार्यालय पर एनआईए की छापेमारी चल रही है। छापेमारी को लेकर सुरक्षा का पुख्ता व्यवस्था किया गया है जहाँ सभी केंद्रीय बलों को लगाया गया है। खबर है कि एनआईए के एसपी खुद छापेमारी कर रहे हैं। हालांकि अभी तक इस छापेमारी में क्या कुछ हुआ इस बात की जानकारी सामने नहीं आ पाई है, लेकिन सूत्रों की माने तो बड़ी कार्रवाई की संभावना है। अब वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे, देखते रहिए सिल्क टीवी। मैं सुबोध कुमार, नवसृजित प्राथमिक विद्यालय बाकरपुर हाजीपुर में
शिक्षक के रूप में पदस्थापित हूँ। मैं 2017 से डायबिटीज का रोगी रहा हूँ। मुझे तो विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब मैं वहाँ गया, मैं उनसे इलाज कराया, तो मैं पूरी तरह से अब स्वस्थ हूँ। बिना दवा का मेरा नॉर्मल रहता है, मैं हर एक चीज़ खाता पीता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। करीब 6 महीना लगा उनसे इलाज कराने में और मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। कोई भी दवा नहीं खाता हूँ, डायबिटीज़ का नॉर्मल है मेरा डायबिटीज, अब नॉर्मल रहता है और मैं स्वस्थ। ऐसा इलाज मैंने पहली बार देखा है, मतलब एक अनोखा इलाज है। मुझे विश्वास नहीं था, लेकिन मुझे जब इलाज कराया तो पूर्ण विश्वास हो गया कि ऐसा भी है जो पूर्ण रूप से आयुर्वेद है, आयुर्वेदिक दवा है और बहुत अच्छा है। ब्रेक के बाद फिर से एक बार आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। NIA द्वारा पूरे देश में PFI के कार्यालय पर चल रही छापेमारी और पूर्णिया में PFI के क्षेत्रीय कार्यालय पर चल रही छापेमारी पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि कानून अपना काम कर रही है। उन्होंने कहा कि PFI पूर्णिया को अपना सेंटर बनाना चाहते हैं। फुलवारी शरीफ में जिस तरह से ये लोग पकड़े गए हैं, इनकी मंशा 2047 में ही भारत को मुस्लिम राष्ट्र बनाने की रही है। उन्होंने कहा कि सिमी संगठन लालू यादव के राज में PFI के तौर पर कार्य करने लगे। नीतीश कुमार और लालू यादव दोनों सांस्कृतिक संगठन बताकर संरक्षण देते रहे हैं। उन्होंने कहा कि बिहार आतंकवादियों के लिए स्लीपर सेल बनता जा रहा है। कानून अपना काम करता है, इस पर हमारी कोई टिप्पणी नहीं, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा PFI आज एक आतंकवादी संगठन है जो भारत विरोधी काम करता है। पूर्णिया को उसने अपना सेंटर बनाया है, फुलवारी शरीफ में पकड़े गए, उसकी प्लानिंग आपने देखा सुना कि वो भारत को पहले ही मुस्लिम राष्ट्र बना देना चाहता 1947 के पहले। तो जो इतना बड़ा कुकृत करता हो, फंड इकट्ठा करता है, भारत के खिलाफ आंदोलन करता है, भारत के जनमानस को भड़काता है, तो ऐसे संस्थानों पर अगर कार्रवाई हो रही है, दुर्भाग्य है जब फुलवारी शरीफ में PFI पर छापे पड़े तो जो पुलिस का वक्तव्य आया था वो निराशाजनक आया था। उसे सांस्कृतिक संगठन बताने की कोशिश की गई थी। ये नीतीश बाबू, ये लालू बाबू, लालू यादव, ये लोग नीतीश जी तुष्टिकरण की राजनीति करते हैं। तुष्टिकरण की राजनीति में कभी लालू जी सिम्मी को भागलपुर कचहरी चौक पर बनवे का पालन करा रही ट्रैफिक पुलिस के द्वारा जब बनवे का उल्लंघन करने वाले मोटरसाइकिल सवार को जब ट्रैफिक पुलिस के द्वारा रोका गया, तब बाइक सवार युवक ने पुलिस कर्मी के साथ अभद्र व्यवहार शुरू कर दिया, जिसके बाद पुलिस वाले उसे पकड़ने के लिए पहुंचे, तब युवक वहां से मोटरसाइकिल छोड़कर भागने लगा, जिसके बाद पुलिस ने खदेड़कर युवक को धर दबोचा और हिरासत में लेकर थाने भेज दिया। पुलिस कर्मी ने बताया कि कार्य में बाधा डालने के आरोप में हिरासत में लेकर थाने भेजा गया है। मेरा नाम मिथुन कुमार हुआ, बरारी घर हुआ, लेकिन आज तक गाली गलौज नहीं किए हैं। ये कैसे पकड़ लिया? नहीं सर, को गाली दिया हमारे सामने, हमारे चाचा जी पुलिस हैं, बोल नहीं पाए, इसको हम गाली क्यों देंगे? लेकिन गलत है तब गलत बोलिएगा। इतना आदमी गलत, तुम सही नहीं। हम पेट्रोल टंकी पर से तेल लेकर आए, ये बोला कि मनाली चौक इधर से आ रहे हैं, इसी बात का हुज्जत है और कोई बात का हुज्जत नहीं। गाली दे दिए थे? नहीं, गाली नहीं। नाथनगर के जैन मंदिर रोड में करीब 6 वर्षों से जल जमाव के कारण स्थानीय लोगों का जीना दुश्वार हो गया है। इससे जैन मंदिर एवं आसपास के कॉलोनी की स्थिति नारकीय बनी हुई है। सड़क पर घुटना भर पानी जमा है और गंदा पानी जमा होने से करीब 400 की आबादी प्रभावित है। लोगों का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। गंदे पानी के सड़ांत से लोगों को सांस लेना भी मुश्किल हो गया है। लोग तरह तरह की बीमारियों के शिकार हो रहे हैं। स्थानीय लोग अब खुद विश डालकर चलने योग्य रास्ता बनाने में जुट गए हैं। पूर्व में जैन मंदिर रोड पर जल जमाव के कारण स्थानीय लोगों ने
ने कई बार आंदोलन भी किया था, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं हो पाया। देखिए, समस्या विगत 6 वर्षों से चली आ रही है, जिसका लगातार प्रयास किया जा रहा है, लेकिन अभी तक समाधान नहीं हुआ। हमारे जो तीर्थयात्री जो जगह जगह से, देश के हर कोने से ही नहीं, विदेशों से भी जो तीर्थयात्री आते हैं, वे लगातार इस समस्या को देख करके हम लोगों को बहुत ही उलाहना देते हैं और इस पूरे भागलपुर प्रशासन की निंदा भी करते हैं। यहाँ पर आने पर जो गंदगी का ये अंबार देखते हैं, गेट से ही जो गंदगी का अंबार लगा हुआ है, उसकी दयनीय दशा को देखकर वो बहुत क्षोभ व्यक्त करते हैं। क्षेत्र के अंदर उन्हें स्वर्ग जैसा महसूस हो रहा है, बाहर निकलते ही उन्हें नर्क जैसा महसूस हो रहा है, ऐसा वह यहाँ पर लिख के भी जा रहे हैं। और अंत में चलते चलते फिर से एक नजर आज की हेडलाइंस पर। बिहार नगर निकाय चुनाव में नामांकन का दौर जारी, कई प्रत्याशियों ने कटाया एनआर, तो कई लोगों ने दाखिल किया पर्चा। दो चरण में होगा मतदान, एटीएम ने कहा स्क्रूटनी और नाम वापसी के बाद प्रत्याशियों को आवंटित होगा चुनाव चिन्ह। कौशल विकास योजना के तहत रोजगार मेले का हुआ आयोजन, बेरोजगारों की उमड़ी भीड़। और गृह मंत्री के सीमांचल दौरे से पूर्व पुनिया में एनआईए के छापेमारी जारी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।